हाय गाइस गाइस, अब की बार देखो कुछ नया करा है वीडियो में, एडिटिंग वगैरह कर दिया थोड़ी सी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, देखो वीडियो को। नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा भिखारी हूँ। आज आपने शिव जी के मंदिर को खुलवा दिया है, अब हम मंदिर में भी भीख आया। आप मंदिर के भीतर भीख नहीं मांगेंगे, बाहर मांगेंगे, लिख लो बाहर। आज तक मुझे किसी ने भीख देने से मना नहीं किया कलेक्टर साहब। मैं तो प्रधानमंत्री से भी यूं ही भीख मांग लेता हूँ। इस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नहीं, कलेक्टर बैठा है। आप बाहर जाओ और हमारे लिए रिश्वत लेके आओ। अंदर भेजो। अब तो मुझे भीख दे दो। हमारे पास आज रुपए नहीं हैं, कल ले। और मुझे खड़े होकर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता कलेक्टर साहब। मेरी टांग दुख रही है, मैं बैठ बैठ कर भीख मांगूंगा कलेक्टर साहब। यहाँ हम उन लोगों को बैठाते हैं जो भीख नहीं मांग, जो भीख मांगता है उन्हें सिर्फ वहाँ बैठाया जाता है। मेरा नाम गंगाधर भिखारी है और हम तुम भिखारियों के बाप हैं, और मैं बड़े बड़े सेठों के यहाँ भीख मांगता हूँ, और हमारा खानदान पहले से ही शिकारपुर में भीख मांग। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा भिखारी हूँ, और तो और राजस्थान में हमारा पूरा। हमने भीख मांग मांग कर 100 बकरी, 200 भेड़े, 300 मुर्गों की फैक्ट्री खोली है। कलेक्टर साहब, मेरे पास भी 50 बकरी और 100 भेड़े हैं। मेरा मतलब समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हमारे पास भेड़ बकरी हैं तो क्या हुआ, हमारे पास मुर्गी भी है। भेड़ बकरी तो हम शौक से पालते हैं, मुर्गा हम खुद खाते हैं। भारत में सब जानते हैं एक हाथ में हमारे लेग पीस होता है, जेब में भिखारियों का पैसा। जिस दिन हम भेड़ बकरियों को नहीं चुका सकेंगे उस दिन हम भेड़ बकरियों को बेच देंगे। समझ गए कलेक्टर साहब। हाय गाइस, गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ एडिटिंग कैसी लगी है और